तो आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं ये साम तंद गदम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। तो जिनके पापों का अंत हो गया है और पुण्यों का संग्रह हो गया है, तो हमारे मनुष्य के जीवन का ये लक्ष्य है। पहला लक्ष्य है कि पापों का हम अंत करें, पापों को नष्ट करें और पुण्यों का संग्रह करें। पुण्यों को इकट्ठा करना है, पापों को नष्ट करना है ना। तो जैसे हरे कृष्ण मंत्र है, तो हरे कृष्ण मंत्र का जो हम जाप करते हैं तो हमारे पहले पापों को समाप्त करता है। जब पाप समाप्त हो जाते हैं फिर पुण्य का संग्रह शुरू हो जाता है ना। शुरू में हमारा ये पुण्य कर्म है, हरे कृष्ण महामंत्र सर्वोच्च पुण्य कर्म है, सबसे ऊंचा पुण्य कर्म है। हरे कृष्ण का आप जाप करते हैं तो ये जो है पहले क्या है, हमारे पापों का जो है ये विनाश करता है। जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो फिर अपने पुण्य जो है इकट्ठे होने लगते हैं, और पुण्य जितने इकट्ठे होते हैं, हमारा पुण्यों का भंडार जितना अधिक बढ़ता जाता है उतना ही अधिक हम अब क्या होते हैं, द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, द्वंद्व के मोह से छूटते हैं। तो द्वंद्व का मोह जो है ये बड़ा भयानक बंधन है। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। द्वंद्व का जो मोह है, द्वंद्व एक मोह है, इच्छा द्वेष उत्पन्न होता है, द्वंद्व का मोह है। और द्वंद्व का मतलब क्या है, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर। सुख और दुख का द्वंद्व है, सुख मिल रहा है दुख मिल रहा है, तो हमेशा इसी चेतना में व्यक्ति रहता है कि मुझे अब सुख मिल रहा है और सुख मिल रहा है, ज़्यादा सुख मिल रहा है, थोड़ा सुख मिल रहा है, फिर दुख मिल रहा है तो थोड़ा दुख मिल रहा है, ज़्यादा दुख मिल रहा है और ज़्यादा दुख मिल रहा है, उसी में जो है वो काउंटिंग करता है, उसकी मात्रा की नाप करता रहता है, नापता रहता है कि सुख की कितनी मात्रा मुझे मिल रही है और ज़्यादा मिल रही है, और ज़्यादा मिल रही है, कम मिल रही है, दुख की कितनी मात्रा मिल रही है और ज़्यादा मिल रही है और कम दुख हो गया है, सुख ज़्यादा हो गया, दुख कम हो गया, दुख ज़्यादा हो गया, सुख कम हो गया। तो ये जो है सुख का और दुख का ये द्वंद्व है। तो इस द्वंद्व ये जो है मोह, एक प्रकार का मोह है। इस द्वंद्व के मोह में फिर क्या होता है, पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि सम्मोह प्राप्त होता है। तो इच्छा द्वेष से उत्पन्न जो तो सुख और दुख का जो द्वंद्व है, सुख और दुख का जो द्वंद्व है, तो ये एक प्रकार का मोह है ना। तो मोह का मतलब क्या है कि वो भूला हुआ है। मोह का मतलब होता है भूला हुआ है। आप किसी को मोहित करते हैं इसका मतलब है कि आप उसको भुला दिया कि वो क्या काम कर रहा है, वो भूल जाता है, अपना काम भूल जाता है, उसे कहते हैं मोह है ना। और इस मोह से, द्वंद्व मोह से सम्मोह प्राप्त होता है। तो पिछले श्लोक में ये चर्चा हुई कि सम्मोह का मतलब क्या होता है कि वो जो है उस गलत दिशा में वो आगे बढ़ता जाता है और वो समझ नहीं पाता है कि वो उसमें कितना कष्ट वो भोगेगा, तो नहीं समझ पाता है। अब यहाँ पर भगवान बताते हैं दूसरी दिशा में अगर आप चलते हैं, कौन सी दिशा है, अपने पापों को आप नष्ट करिए और पुण्यों का भंडार आप जो है और इकट्ठा करिए, तो फिर क्या होता है, द्वंद्व के मोह से आप छूट जाएंगे। तो आप जितने पुण्यात्मा होते हैं तो आप उतना अधिक द्वंद्व के मोह से छूट जाते हैं। और फिर कहाँ पर आते हैं, इतनी स्थिति भी आ जाती है कि कृष्ण का भजन आप करेंगे तो दृढ़ निश्चय के साथ भजन करेंगे। तो ये मतलब पुण्यों की मात्रा के कारण जो है ये आपका भजन जो है फिर कैसा होता है, दृढ़ निश्चय के साथ होता है, और द्वंद्व के मोह से आप छूट जाते हैं। और द्वंद्व का मोह क्या है, सुख दुख, सम दुख सुखा स्वस्थता। तो वो सुख और दुख से जब समान हो जाता है, सुख दुख में समान हो जाता है तो स्वस्थ हो जाता है, सम दुख सुखा स्वस्थता। तो अपने स्वस्थ यानी अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाता है, तो उसे कहते हैं स्वस्थ, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है।
और स्वरूप का मतलब क्या है, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, जीव का स्वरूप है कि श्री कृष्ण का वो नित्य दास है। तो नित्य दास हाँ अपने स्वरूप में वो स्थित हो गया तो स्वस्थ हो गया है ना। तो फिर क्या होता है, भजन ते माम दृढ़ता, तो कृष्ण का भजन फिर करता है दृढ़ निश्चय के साथ करता है। तो दृढ़ निश्चय भजन जो है दृढ़ निश्चय के साथ करता है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साहन निश्चया धैर्यात तत्तत्कर्म प्रवर्तनात्, ये छह प्रकार से जो है भक्ति आपकी सुरक्षित होती है और आपकी बढ़ती है भक्ति। तो पहला बिंदु है उत्साह का, कि आप उत्साहपूर्वक भक्ति करते हैं, उत्साहपूर्वक भक्ति करते हैं लेकिन फिर उसमें कई अड़चनें आती हैं, कई बाधाएं आती हैं, और जब बाधाएं आती हैं तो उत्साह आपका ढीला पड़ जाता है। शुरू में भक्ति करते हैं आप तो उत्साह तो होता है, तो आपकी बहुत पुण्य है, आपको उत्साह होता है, लेकिन जब बाधाएं आती हैं, कुछ ऐसी वास्तविकताएँ जो आती हैं है, कि आप महसूस करते हैं कि जो है ये क्यों हो रही, तो फिर उत्साह ढीला पड़ जाता है। उत्साह ढीला पड़ जाता है तो फिर आपको निश्चय के साथ भक्ति करना होगा, आपको निश्चय बनाना पड़ेगा, उत्साह निश्चयात है ना। तो निश्चय के साथ आपको भक्ति करनी है, लेकिन फिर और जब बाधाएं आती हैं तो निश्चय भी ढीला पड़ जाता है, निश्चय ढीला पड़ जाता है तो धैर्य, तो धैर्य से आपको जो है काम लेना पड़ता है कि भजन में आपको सुख नहीं मिल रहा, भजन में आपको रस नहीं मिल रहा, और इतना समय हो गया भजन करते करते, तो फिर जो है निश्चय भी जो है ढीला पड़ जाता है। तो फिर आप कैसे करते हैं, धैर्य के साथ आप जो है भजन करते हैं। तो यहाँ पर अपने पुण्यों की मात्रा के कारण आप जो है ऐसे बिंदु में आ जाते हैं कि आप द्वंद्व से आप मुक्त हो जाते हैं, और जितने भी बाधाएं आए हैं उन सब परीक्षाओं को आप पास करते जाते हैं, आप पास होते जाते हैं और कृष्ण के भजन में आप जो है स्थिर हो जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान के भजन ते माम दृढ़ता, तो श्लोक संख्या 15 में भगवान ने बताया था दुष्कृति, अगर पापों की मात्रा आपकी ज़्यादा है, अपने आप में पापों का भंडार ज़्यादा जोड़ लिया है, तो फिर आप उल्टी दिशा में जाएंगे, यानी कृष्ण से उल्टी दिशा में जाएंगे, कृष्ण के भजन से उल्टी दिशा में जाएंगे। न माम दुष्कृतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, तो मूढ़ होता है जो पापी होता है, और ज़्यादा पापी होता है वो तो नराधम और उल्टी दिशा में चला गया, और ज़्यादा पापी होता है तो माया हृत ज्ञान हो जाता है, और ज़्यादा पापी होता है आश्री भाव आश्रित हो जाता है आश्री, ये पाप की पराकाष्ठा है, पाप का कितना आपका भंडार बढ़ गया है, तो उस तरह से आप उल्टी दिशा में आप जा रहे हैं, और कहाँ तक जाते हैं, आश्री भाव के आश्रित हो जाते हैं। और पुण्यों का भंडार जैसे बढ़ता जाता है, तो पहले आर्त होता है, भजन करता है कृष्ण का, तो जब कष्ट होता है तो ज़रूर सोचता है कि कृष्ण जो है मेरे एकमात्र कृष्ण ही है। एकमात्र कृष्ण ही हैं जो मेरी रक्षा कर सकते हैं, एकमात्र कृष्ण ही हैं जो मेरा कष्ट दूर कर सकते हैं। तो ये जो विश्वास आता है कैसे आता है, पुण्यात्मा का, आपके पुण्य की परीक्षा तब होती है जब आप भजन करते हैं, और कष्ट जब होता है हैं, तो कष्ट में भजन कौन करता है, कष्ट में परीक्षा है, जैसे कष्ट आता है आप भजन छोड़ देंगे, आपका पुण्य नहीं है इसका मतलब। अगर आपका पुण्य है तो कष्ट आता है तो आप फिर और निश्चित रूप से सोचेंगे कि कृष्ण ही मेरा कष्ट दूर कर सकते हैं, तो आप कष्ट के कारण आप भजन करें, है ना आरतो, और फिर कष्ट अगर नहीं भी है तो भी भजन करेंगे, अगर आपका और ज़्यादा पुण्य है आरतो तो जिज्ञासु, तो जिज्ञासा भी होती है, कष्ट में तो भजन करता ही है, अगर ज़्यादा पुण्य है तो फिर जिज्ञासा भी होती है जानने की, हैं कृष्ण के तत्व की आपको जिज्ञासा होती है ना, और अपना जीव तत्व की जिज्ञासा होती है, भक्ति तत्व की जिज्ञासा होती है। तो ये जिज्ञासा क्यों होती है, अगर ज़्यादा पुण्य है, और ज़्यादा पुण्य है तो अर्थार्थी, तो भौतिक संसार में जो भी अपनी इच्छाएं हैं, तो आप दुनिया की जो है खुशामद ना करके आप कृष्ण की खुशामद करो, तो ये और ज़्यादा पुण्यात्मा होता है। तो
कष्ट में भी भजन करता है और जिज्ञासा भी होती है उसकी, और अर्थार्थी भौतिक भौतिक वस्तुओं के लिए भी भगवान का जो है भजन करता है। और ज़्यादा पुण्यात्मा होता है तो फिर ज्ञानी हो जाता है। तो ज्ञानी का मतलब है वही कि दृढ़ निश्चय के साथ भजन करना है कि मुझे जन्म मरण से छूटना है। तो पुण्यों की जितनी अधिक मात्रा होती है उसी प्रकार से जो है भक्ति की जो चार स्थितियाँ हैं उनमें वो व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है ना। तो ये जो है वो ज्ञानी की स्थिति है जो भगवान ने श्लोक संख्या 16 में बतलाई थी कि ज़्यादा पुण्यात्मा होता है तो वो ज्ञानी हो जाता है, है? और उस ज्ञान में से होता है कि भौतिक संसार में क्या है, जन्म मरण, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। अब उसको ज्ञान हो गया है ना, तो भौतिक संसार में उसको जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि में दुख और दोष ही बार बार दिखाई पड़ते हैं। और कृष्ण का भजन करता है दृढ़ निश्चय के साथ कि मुझको जो है हमेशा के लिए छोड़ना है। और सुख दुख के जो द्वंद्व हैं ये तो आते जाते हैं सुख दुख, तो इसमें इस चक्कर में क्यों पड़ा, ये तो दुख ही दुख है, है ना। तो जैसे जेल में कोई कैदी होता है तो वो जेल में भी हो करके रहते हुए भी वो सोचता है कि हाँ मुझे अच्छा साबुन मिल गया है तो खुश हो जाता है, अभी साबुन मिल गया, चाय मिल गई तो बड़ा खुश होता है, चाय नहीं मिली तो फिर दुखी होता है। जेल के अंदर है जिसके पास ज्ञान है वो चाय मिली या ना मिली वो सोचता है मुझे कैसे बाहर निकलूँ, मैं कैसे बाहर निकलूँ, तो उसको ज्ञान हो गया। तो उसी प्रकार से सुख दुख के द्वंद्व में कौन फंसा रहे, वो सोचता है भौतिक संसार मेरा नित्य निवास स्थान, तो यहीं पर ही जो है वो शिकायत करता है कि ये दुख मिल रहा है, ये दुख मिल रहा है, हाँ ये सुख मिल रहा है, ये सुख मिल रहा है। कोई हालत है जेल के अंदर कैदी है, वो सोचता है ये मेरा घर है जेल, तो जेल में ही वो सोचता है कि चाय मिल गई तो बड़ा खुश हुआ, साबुन मिल गया तो बड़ा खुश हुआ, साबुन नहीं मिला तो दुख हो रहा है उसको, है ना। जो ज्ञानी होता है वो सोचता है चाय मिले ना मिले, साबुन मिले ना मिले, मुझे कैसे निकलूँ बाहर। तो क्या है, भजन्ते माम दृढ़व्रता द्वंद्व मोह निर्मोक्ता, इस संसार के जो है छोटे छोटे दुख और सुखों के चक्कर में ना पल करके संसार को जो है पूरा दुखी दुख मान करके वो कृष्ण का भजन करता है। और दृढ़ निश्चय के साथ भजन करना है करता है कि इसमें चक्कर में पड़ना नहीं है कि कोई सुख मिल रहा है तो इसमें मतलब फंस गए कि ये सुख मिल रहा है वो सुख मिल रहा है ना, और ये दुख मिल रहा है ये दुख मिल रहा है। अगर दुखी दुख है तो इसको छूटना है तो इससे बाहर निकले। तो दृढ़ निश्चय के साथ भजन करना कि मुझे हमेशा के लिए जन्म मरण से छूटना है, इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से ही छूटना है, है? इसमें क्यों सोचें कि अच्छा जन्म मिलेगा, किसी धन के घर में जन्म मिलेगा या स्वर्ग में जाएं तो वहाँ पर सुख भोगें, स्वर्ग में जाओगे तो भी फिर जन्म मरण का चक्र है, तो हर जगह जन्म मरण का चक्र है, तो जन्म मरण के चक्र से ही छूटो। स्वर्ग के चक्कर में क्यों पड़ते हो और राजा बनने के चक्कर में क्यों पड़ते हो, धनी और जो है घर मकान और पत्नी इसके चक्कर में क्यों पड़ते हो। तो दृढ़ निश्चय के साथ वो भजन करता है कृष्ण का। तो यहाँ पर वो भगवान बता रहे हैं कि पापों को आप जो है नष्ट करिए, क्योंकि पाप आपको नीचे उल्टी दिशा में ले जा रहे हैं, और आप पुण्य को जो है और इकट्ठा करिए तो आपके पुण्य इकट्ठे हो रहे हैं। आप हरे कृष्ण का जाप कर रहे हैं, आप अपने पुण्यों को नष्ट, अपने पापों को नष्ट कर रहे हैं और पुण्यों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो यही मतलब आपको करना है। तो प्रभुपाद ने बड़ी सरल विधि बताई है, अगर हर समय आप ये नहीं कर सकते कि आप श्रवण करें कीर्तन, ये तो बहुत भक्ति की शक्तिशाली विधियाँ हैं, अगर आप ये नहीं कर पाते हमेशा तो नहीं हो पाता कि आप क्लास में बैठ पाएँ, हमेशा तो भक्तों की संगति नहीं मिलती। तो समय जो है बर्बाद ना करो और हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, और इससे अपना जो है जो पुण्य है वो अपना जो है आप इकट्ठा करिए, पुण्य का जो भंडार है वो आप बढ़ाते जाओ, है ना। श्वास श्वास पे हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए न होए। तो हर श्वास में भजन करो और श्वास को व्यर्थ मत खो, क्योंकि मनुष्य जीवन की श्वास है और वो निश्चित संख्या में आपको सांख्य श्वास मिली हैं। इस मनुष्य के जीवन में संख्या गिनी जा रही है आपकी, कितनी श्वास आपने ले ली है और कितनी श्वासें आपकी बची हैं। तो हर श्वास में आप जो है कृष्ण का भजन करो, श्वास को बेकार में मत खाओ, ना जाने या श्वास को आवन
होए ना होए, वापस आएगी श्वास या नहीं कुछ पता नहीं, श्वास चली गई तो चली गई, ना आए आपकी श्वास की संख्या पूरी हो गई बस श्वास बंद हो जाएगी, है ना। जैसे कभी होती है मशीन की तो इतनी जो है मतलब उसकी जो वाइब्रेशन है उसके निश्चित हो, उसके बाद फिर मशीन बंद हो जाएगी। तो मनुष्य के शरीर की जो मशीन है, शरीर की मशीन है, उसकी श्वास जो है निश्चित हो गए, जैसे अलार्म भरा जाता है तो उस तरह से, या बैटरी चार्ज की गई उस तरह से वो श्वास चल रही है आपकी, और जब बैटरी डाउन होगी श्वास बंद हो जाएगी। तो इस तरह से दृढ़ निश्चय के साथ वो भजन करता है और द्वंद्व के मोह से छूट जाता है कि अमीर या गरीब का जो है चक्कर, है ना, और जो है सर्दी गर्मी का चक्कर, ये सब जो द्वंद्व हैं इस चक्कर में वो नहीं पड़ता कि आप बहुत ठंड पड़ रही है, बहुत ठंड पड़ रही है तो इसी में लगे हुए हैं, गर्मी पड़ बहुत गर्मी हो गई, बहुत गर्मी हो गई, यही सब द्वंद्व में फंसे रहते हैं। तो सर्दी गर्मी है और मान अपमान, है ना, राग द्वेष, इन चक्करों में ना पड़ करके वो इन द्वंद्वों से छूट करके दृढ़ निश्चय से भजन करता है। एक निश्चित दिशा उसको मिल गई कि उसको चलते रहना है, इधर इधर देखना ही नहीं है, सीधे चलना है। भजन ते माम दृढ़ता, कि मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है। ध्रुव महाराज ने जैसे दृढ़ निश्चय के साथ भजन किया, है ना, तो बिल्कुल पक्के हैं, पक्के। तो 6 महीने में भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए। तो उसी प्रकार से जो है मतलब हम अगर करते हैं तो ये कारण यही है कि आपके पुण्यों का भंडार कितना बढ़ गया है कि आप जो है ऐसे कृष्ण का भजन कर सकते हैं। तो इसलिए आप जो है हरे कृष्ण मंत्र का आप जाप करते रहिए और 10 अपराधों से बचते रहिए तो आपको जो है दिशा, आपको सही दिशा बनी रहेगी। हरे कृष्ण ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। राम 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 हरे हरे।